हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं फिर से एक बार रानीगंज के स्ट्रीट फूड लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही पुराना शॉप है और यहाँ का बहुत ऐसा चीज़ है जो कि बहुत ही फेमस है। आप लोग अगर वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा। तो मैं अभी ये जो रानीगंज जो रेलवे स्टेशन है आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये रानीगंज का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से जस्ट कुछ दूर पर ये शॉप है। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते, आपको शॉप दिखाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको फ्राइड आइटम बहुत सारा मिलेगा। तो स्पेशली जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको चिकन का आइटम और फिश, स्पेशली यहाँ पे फिश का आइटम बहुत अच्छा मिलता है। और आपको दो तीन तरह का फिश भी देखने को मिलेगा और चिकन का भी बहुत सारा आइटम है जो कि फ्राइड आइटम है। बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो चलिए फिर अभी ज़्यादा देर भी नहीं करते और उनसे ही बात करते हैं और आपको इस शॉप के बारे में पूरा पूरी क्लियर बताते हैं सब कुछ। और एक बात बता दो, ये शॉप बहुत ही पुराना है, ये 24 ईयर्स से ये शॉप चला रहे हैं। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अब उनसे ही बात करते हैं जो कि जिन्होंने इस शॉप को खोला था आज से ठीक 24 साल पहले। और रानीगंज में बहुत ही पुराना शॉप है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए और काफ़ी टेस्टी भी है, बहुत फेमस भी है। तो सबसे पहले उनसे ही पूछते हैं कि अच्छा, आपका नाम क्या है? निर्मल चंद्रलाहा। निर्मल चंद्रलाहा, और आप यहाँ कितने दिन से ये चला रहे हैं? 24 साल हो गया मेरा। अच्छा, तो आप यहीं पे पहले से लगाते थे और कहीं पे लगाते थे? पहले मोड़ में लगाते थे। अच्छा, उधर से ट्रांसफर होकर इधर आया। मतलब मोड़ में लगाते थे। और अगर एड्रेस का बात करें तो ये एकदम ठीक स्टेशन रोड है। स्टेशन रोड। और यहाँ पे आपका स्पेशल क्या क्या आइटम है? सब कुछ है। वेराइटीज कटलेट होगा, वेराइटीज चॉप होगा, हाँ, चिकन चॉप, चिकन कटलेट, चिकन पकौड़ा, वेजिटेबल, अंडा चॉप, उसके बाद पॉम्पलेट मछली कटलेट, भटकी मछली कटलेट। तो मतलब कटलेट यहाँ का सबसे फेमस है। हाँ। कटलेट बहुत स्पेशल बनता है। और कौन सा दिन खुला हुआ रहता है? सोमवार को खाली बंद रखते हैं। तो मंडे ये बंद रहता है। और टाइमिंग बता दीजिएगा। टाइमिंग 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। अच्छा, तो आपको सोमवार को ये सिर्फ बंद रहता है, मंडे को, और बाकी 6 बजे से आपको 11 बजे तक यहाँ पे सब कुछ आइटम मिलने वाला है, अगर ख़त्म नहीं हुआ तो। क्योंकि जैसा कि आप अब देख रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ जमता जा रहा है और हम लोग भी अब टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके आपको बताएंगे कि कैसा हुआ है। उससे पहले मैं और भी एक ये करना चाहूँगा कि जो भैया फ्राई कर रहे हैं तो मैं उनसे भी कुछ बात करना चाहूँगा। तो भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। ओम काला। और आप मतलब कब से ये हेल्प कर रहे हैं? पापा का 10 साल से हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, तो आप अभी 10 साल से यहाँ पे आपके पापा का हेल्प कर रहे हैं। और तो ये जो फीस देख रहे हैं ना, ये बहुत ही है। तो आप कहाँ से कलेक्ट करते हैं? फीस होता है आपका दुर्गापुर नहीं तो हावड़ा। अच्छा, तो फीस ये कलेक्ट करते हैं दुर्गापुर या हावड़ा से। तो आप समझ ही सकते होंगे कि यहाँ पे किस तरह से ये इतना फेमस मिलता है। तो चलिए हम लोग भी आप टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही वैरायटीज़ मिल रहा है चिकन का और फिश का। तो सब चलिए उनसे आप रेट पूछते हैं कि क्या क्या किस चीज़ का कितना रेट है। तो भैया, आप थोड़ा रेट बता दीजिएगा। रेट का होगी आपका, चिकन का अंदर में है, चिकन का काटलेट है 25 रुपया पीस, चिकन का टोस्ट है 25 रुपया पीस, चिकन का रोस्टेड है 25 रुपया पीस, चिकन लॉलीपॉप होता है वो 40 रुपया पीस, और चिकन पकौड़ा है 30 रुपया प्लेट, 6 पीस, चिकन चॉप है 10 रुपया पीस, चिकन का चिल्ली है 80 रुपया प्लेट, और संडे होता है बिरयानी, और चिकन चाप, बिरयानी का दाम हो गया 110, और चिकन चाप का हो गया 60 रुपया पीस, चिकन का आइटम। हाँ, वो संडे होता है। और फिश का? फिश का आइटम हो गया, देखिए फिश में हो गया आपका पॉम्पलेट, भेटकी, और पापदा, और गोलदा, ये सब। भेटकी का सिर्फ फिक्स रेट है 35 रुपया, और पॉम्पलेट का कोई मैंने फिक्स रेट नहीं है, मैंने जब जैसा दाम में आता है वैसे दाम में रेट फेंकना पड़ता है। तो फिश का क्या कटलेट होता है या कुछ? सब कटलेट, भेटकी, पॉम्पलेट, पापदा, गोलदा, ये सब कटलेट होता है। अब बीच में तोपसे का भी कटलेट होता है, तोपसे मछली होता है, कटलेट होता है। आज जैसे हो गया आपका पॉम्पलेट होगा, भेटकी होगा, पॉम्पलेट का हो गया आज का रेंज हो गया 50, कोई दिन हो सकता है ये 8 हो सकता है, 100 रुपये हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। आज का दाम है 50 रुपये, कल का दिन मैंने 85 रहेगा, कोई फाइनल नहीं है। अच्छा, फीस के ऊपर डिपेंड है। हाँ, दाम के ऊपर में जितना रेंज में आता है चिकन फिश, उतना रेट में आपको माल फेंकना पड़ता है। और पॉम्पलेट हो गया, गोलदा चिंगड़ी हो जाता है, गोलदा चिंगड़ी का आपका रेट हो जाता है 80 रुपये से स्टार्टिंग रहता है, गोलदा चिंगड़ी, पापदा 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, ऐसे रेट आता है। और आपका वेजिटेबल चॉप, चॉप के अंदर में सिर्फ वेजिटेबल चॉप, चिंगड़ी चॉप और अंडा चॉप, ये सब हो गया मैंने नॉर्मल सामान हो गया मेरा आइटम।
तो ये सबका क्या रेट रहता है? अंडा चौप का हो गया 15 रुपया, चिंगड़ी चौप का 10 रुपया, आप वेजिटेबल चौप का 5 रुपया। वेजिटेबल आपका मिक्स वेजिटेबल मिलेगा, मैंने प्लेन वेजिटेबल नहीं होता, मैंने फूलगोभी शिमला मिर्चा बीट गाजर देखे बनता है, मैंने कोई पपीता उपीता का काम नहीं होता उसमें, भेज का मैंने पूरा भेज रहेगा, मैंने मिक्स भेज जो शादी ब्याह में काम होता है, शादी में जो बनता है मिक्स भेज वही माल बनता है। ठीक है गाइस, तो जैसा कि अभी आप लोगों को रेट का बारे में पता चला, तो जैसा रेट है मैं अभी डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ रेट लिख कर बता दूंगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं किस चीज़ का कितना रेट है। अब हम लोग भी कुछ टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके आपको बताते हैं अगर टेस्ट कैसा है, तो चलिए हम लोग फिर टेस्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने अभी चिकन पकौड़ा ऑर्डर किया है, और चिकन पकौड़ा मैं आप अगर देखेंगे सामने से आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए ये प्याज है और इसमें दो तरह का चटनी है, मतलब सॉस है, केचप है, एक टमाटो और एक वो जो सरसों का था वो है। तो अभी अब हम लोग टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके आपको बताएंगे कैसा हुआ। और गाइस इतना यहाँ पे आइटम है, इतना आइटम है कि आप अगर एक सिंगल पर्सन हो तो आप यहाँ का सब कुछ टेस्ट नहीं कर पाओगे, इतना सारा आइटम है। तो सबसे पहले मैंने चिकन पकौड़ा लिया है, अब ये मैं ट्राई करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि यह कैसा हुआ है। काफ़ी अच्छा है, क्रंची है और प्याज के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। चिकन पकौड़ा का एक बात होता है कि अगर क्रंची नहीं हो तो अच्छा नहीं लगेगा, और काफ़ी अच्छा है, क्रंची है और डीप फ्राई है, ऑब्वियसली तेल होगा लेकिन तेल कम है तो वो बात अच्छा है, और टेस्ट काफ़ी बढ़िया है चिकन पकौड़ा का। तो गाइस अभी एक बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ मेरे साथ, जो कि अभी मैं जिनसे मिला हूँ उनका तो नाम बताने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग अगर देखेंगे तो पहचान जाएंगे, तो चलिए मैं उनसे मिलाता हूँ। और ये है हमारे गौतम दा, आप तो देखेंगे तो पहचान ही लेंगे। और गौतम दा आप बताइए, आप बताइए आप यहाँ पे कब से खा रहे हैं? देखिए ये हम तो कलकत्ता में था, रिसेंट आए हैं, तो जब भी आते हैं तो यहाँ पर पापा दा का पास, और पहले पापा दा का पापा जो है वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं, और हम तो पहले फीस का ये आइटम तो खाते ही खाते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि रानीगंज में जितना भी हम चॉप खाए हुए हैं वो वेजिटेबल चॉप यहाँ पर जो खाते हैं, ये वेजिटेबल चॉप जो इसका टेस्ट है कहीं रानीगंज में कहीं ढूंढे तो कहीं भी नहीं मिले। और दादा एक बात बोले कि अगर इनके पास इतना सारा आइटम है, हम लोग अगर दोनों भी मिलकर ट्राई करें तो ख़त्म नहीं होगा? एकदम एकदम एकदम, ये मैंने खत्म है, दो दिन अगर आएंगे फिर भी खत्म नहीं होगा, और भी तो वो अभी नहीं बन रहा है। राइट राइट, तो पापा दा के साथ बात हुआ और भी नहीं बन रहा है, लॉकडाउन चल रहा था उसके बाद फिर और भी सब आइटम हर दिन नहीं मिलता भी है, हाँ तो और पहले और भी आइटम था। अच्छा। अभी और भी बढ़ेगा, वो हमको लेटेस्ट खबर दिया है पापा दा ने, तब तो और भी ट्राई करेंगे। और जैसा कि मुझे चिकन पसंद था तो मैंने चिकन पकौड़ा लिया, और फिश का भी दादा से रिव्यू लेंगे। कम्प्लीट है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। अच्छा, तो ये आप बताइए कैसा, मतलब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, और इस माना रानीगंज में अगर इस सब खाने के लिए आने हो तो पापा दा के पास। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो ये था फिश के बारे में तो काफ़ी अच्छा लगा, और जैसा कि मैं चिकन पकौड़ा टेस्ट कर रहा हूँ तो चलिए हम लोग टेस्ट करें, काफ़ी अच्छा है, आप लोग भी आके टेस्ट कर सकते। अब जैसा कि दादा अभी बता रहे थे कि वेजिटेबल यहाँ का बहुत अच्छा है, तो वेजिटेबल चॉप एक्चुअली, तो वो वेजिटेबल चॉप भी हम लोग अभी टेस्ट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे तो कैसा है। तो अभी हम लोगों ने बोल दिया है फ्राई हो रहा है। अब जैसा कि आप देख रहे धीरे धीरे भीड़ काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जब हम लोग आए थे तो उतना भीड़ नहीं था। और मैं एक बार इस शॉप का टाइमिंग अगर आपको बता दूँ तो शाम को 6 बजे से 10 बजे 11 बजे तक होता है, और मंडे क्लोज रहता है, बाकी ऑल डे खुला हुआ रहता है। और एड्रेस की अगर बात करें तो ये एकदम ठीक रानीगंज रेलवे स्टेशन के पास है, एकदम रानीगंज रेलवे स्टेशन के जो मेन गेट है वहाँ से आपका वॉकिंग डिस्टेंस है ये। तो चलिए अब हम लोग ट्राई करेंगे, आप लोगों को बताएंगे क्या। देखिए चिकन का आइटम मछली का आइटम हर जगह में मिलता है, लेकिन हम बार बार एक ही बात क्यों कह रहे हैं, जो वेजिटेबल चॉप यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, वेजिटेबल खा के हम बोल नहीं सक रहे मतलब आपको आने, हाँ आपको यहाँ पर आने होगा, यहाँ पर आने के वेजिटेबल खाने के लिए आने होगा। अच्छा। उसके बाद बोलिएगा कैसे है। सही है, तो चलिए हम लोग अब ट्राई करेंगे, ट्राई करके आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि भैया बोल रहे हैं अब हम लोग देखते हैं और आप लोगों को बताते हैं, वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग टेस्ट करते हैं, आप जैसा बता रहे थे कि वेजिटेबल काफ़ी अच्छा है, तो टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। और ये आप खा के देखिए, एकदम एकदम आला है, काफ़ी गर्म है और अच्छा है। ये जो वेजिटेबल क्लोज दिखाएँ तो काफ़ी अच्छा वेजिटेबल्स है यहाँ पे। ये वेजिटेबल बोलता है लेकिन इसमें मिक्स्ड है। अच्छा, इसमें सब कुछ है, मोचा भी है। अच्छा, मोचा मतलब अगर
कॉलम मोचे जो बोलते हैं। अच्छा 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 वो है ना। हाँ, सब कुछ वैरायटीज है। जैसा कि अगर क्लोज दिखाएं हम यहाँ पे तोड़ के दिखा रहे, तो ये देखिए यहाँ का अंदर का मटेरियल कितना अच्छा है। और ये डीप फ्राई है, तेल में डीप फ्राई है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो उतना तेल नहीं है, ठीक है, जितना कहीं अगर कोई दुकान में अगर आप जाते हो तो काफ़ी तेल उसमें रहता है, उतना नहीं है। डीप फ्राई ऑब्वियसली तेल में ही होता है, लेकिन उतना नहीं है एकदम। तो अच्छा है, मतलब खा सकते हैं हम लोग बिल्कुल। ज़रूर आइए और टेस्ट कीजिए। और टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट। और आपको जो भी आइटम आप लेंगे सब में आपको प्याज और दो चटनी, जो कि एक टोमेटो केचप है और एक वो सरसों का रहता है वो है। और एक बात गाइस, ये दुकान अगर मैं बोलूं तो ये 24 साल हो गया है, एकदम 24 ईयर पुराना, मतलब रानीगंज का काफ़ी पुराना है एकदम। 24 साल मतलब 25 से पकड़ ले। और वैरायटीज इतना है कि हम लोग पूरा पूरी नहीं ट्राई कर पाएंगे, मतलब पेट में जगह नहीं होगा। इसलिए मुझे जो पसंद था मैंने वो दिया। 25 के ऊपर ज़्यादा है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। और अगर प्राइस की बात करें वो भी मैं दे दूंगा, लेकिन जो फिश का प्राइस होता है वो अप एंड डाउन होता है, तो उस हिसाब से फिश फ्राई जो फिश कटलेट आप लेंगे वो उस तरह से रेट बनता है। हमको जो जानकारी है ये लास्ट मतलब मिनिमम प्राइस है ये 5 रुपीज़ वेजिटेबल चॉप स्टार्टिंग है 5 रुपीज़। तो 5 रुपये से यहाँ पे आपको जो यहाँ पे इतना सारा फ्राइड आइटम मिल रहा है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अच्छा स्वाद है, काफ़ी अच्छा स्वाद है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को सब कुछ टेस्ट करके बताया, सब कुछ तो नहीं बोल पाऊँगा, इतना सारा वैरायटी है यहाँ पे कि एक आदमी तो सब कुछ टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो भी टेस्ट किया काफ़ी अच्छा था। और ऑब्वियसली 24 साल से ये बना रहे तो काफ़ी अच्छा ही होगा क्या अच्छा है, आप लोग भी आकर टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एड्रेस की बात बोलें तो ये रानीगंज रेलवे स्टेशन के पास में, एकदम रानीगंज रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस है। और हाँ, एक बात दोस्तों, अगर मैं इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा और वो वहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं कि आज क्या स्पेशल बनने वाला हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और गाइज, आप अगर रानीगंज से हो तो 100% सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह रानीगंज के स्ट्रीट फूड आप लोगों को ला रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। सो थैंक यू गाइज़।